कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय किसान यूनियन एकता, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने रविवार को रणधीर वर्मा चौक पर थाली पीटकर विरोध जताया। आपको बता दें, नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई स्थानों पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ऐसे में कई किसानों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जिसके बावजूद केंद्र की भाजपा सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि किसान लगभग 35 दिनों से ये कड़कड़ाती हुई ठंड में अपनी मांगों को मनाने के लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में रूह तक नहीं गूंज रही है। आज वो पूरे देश से 11 बजे से मन की बात कर रहे हैं और हम धनबाद के किसान, नौजवान, मजदूर, व्यवसायी सारे लोग मिल करके ताली बजा के मोदी जी तक किसानों की बात पहुँचे, उसी का एक छोटा सा प्रयास यहाँ से किया गया है ताकि मोदी जी राजहट छोड़ दें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजहट नहीं चलता। किसान अगर पूरे देश के किसान अगर मांग रहे हैं कि इन काले कानूनों को रद्द करिए, इससे किसानों की गुलामी निश्चित है, आम आदमियों के ऊपर में आर्थिक बोझ बढ़ना है, तो फिर मोदी जी उनकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं?